से बैठ के पियो और पानी थोड़ा गुनगुना करके पियो, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही नहीं, नॉर्मल, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर और वो बाहर का टेम्परेचर आप अगर उसको 50-60 डिग्री में है और पानी पी रहे तो अंदर की जो हमारे वेंस है वो डैमेज। ऐसा है कि पानी पीते समय कौन सा मंत्र बोले। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था, हम पानी जब पीने वाले हैं, अगर आपको प्यास लगती है तभी आपकी चंद्रनाड़ी होती है असली प्यास। तो पानी आपको पीना है तो आपको बैठकर पीना है और सिप सिप कर पीना है, और जो पानी है वो मुंह लगाकर पानी पीना है, ऊपर से नहीं पीना है, डायरेक्ट पानी को आपको नहीं सेवन करना है। वो सिप सिप कर पानी के साथ आपके सलाइवा भी उसके साथ जाना चाहिए और आप पानी पी सकते हैं। आपको पता है कि 71% आपके भीतर पानी है, तो उस पानी को आपको चार्जअप करना है, क्योंकि उस पानी से आपके शरीर के भीतर रक्त बनना है, आपका शरीर बनना है, पूरा पृथ्वी तत्व बनना है, ये सब कुछ बनने वाला है, आप खुद बनने वाले हैं। और आपके अंदर जितनी सारी ऊर्जा है सब कोशिकाएं बनने वाली है, आपका माइंडसेट क्रिएट होने वाला है। तो इसलिए इस पानी को आप मामूली ना समझिए, इस पानी का आपको बहुत सही तरह से इस्तेमाल करना है। देखो ना, दिन भर में आप कम से कम 8 से 10 बार पानी पीते होंगे, थोड़े थोड़े प्रमाण में क्यों ना हो आप पानी पीते ही है। तो उस पानी को आपको सक्सेसफुली यहाँ से ही आपको चार्जअप करके भेजना है। अगर कोई मिलिट्री में जाने वाला है, उधर युद्ध के लिए जाने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सोल्जर को हम चार्जअप करते हैं, सब कुछ चार्जअप करने के बाद में उसको भेजते हैं, इधर जाकर अपना परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट टू बेस्ट देता है, देश के ऊपर निछावर हो जाता है। इसी तरह से इस पानी को भी, भार है पानी, पानी मृत है ऐसा समझेंगे हम, मगर उसके ऊपर हमको जीवन देना है उसको। हम पानी को जीवन ही कहते हैं, पर मगर अभी वो मृत ही है, वो साधारण है, नॉर्मल है, जैसे आजू बाजू में लोग जैसे लोग नॉर्मल है वैसे नॉर्मल है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे संस्कार हुए हैं। पानी कहाँ से आ गया, ऊपर से आ गया, ऊपर से पानी आने के बाद में बारिश का पानी बाद में किधर गया, एक जगह पर जमा हो गया डैम में, वहाँ से वापस नल के माध्यम से हमारे पास आया है। कितने सारे लोगों के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है कि पानी को मेमोरी है कि नहीं, मेमोरी, तो मेमोरी की वजह से उसके ऊपर अलग अलग संस्कार हुए हैं, और वो पानी आपके शरीर के भीतर जाने के बाद में आप भी वैसे होने वाले हैं। तो इसलिए उसको आपको चार्जअप करना है। आपको उसको क्या बोलना है, मैंने एक आपको वर्ड दिया था, तो पवित्र है, उसको प्योरिटी का आप दे सकते हो। अगर आपके भीतर कॉन्फिडेंस चाहिए, मैक्सिमली कॉन्फिडेंस, या आपके शरीर में ऐसा लगता है कि पूरे कॉन्फिडेंस और शक्ति चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हैं ना, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू शक्ति से भरपूर है, ऐसे आप उसको बोलना है। कुछ वर्ड यूज़ करो, तू प्रेम का सागर है, ऐसा ही बोल सकते हैं, तू ज्ञान का सागर है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ऐसे अगर आप वर्ड उसको बोल रहे हैं, और बोलने के बाद में और जो वाटर है, जो पानी है, वो इंस्टेंटली वो कैप्चर कर लेता है वर्ड आपके। हाँ, अभी ये जो वर्ड आप जो बोलने वाले, एक वर्ड एक ही बार नहीं बोल रहे, तो हर वक्त जो वर्ड आपको बोलने हैं वो 3-3 बार बोलने हैं। अगर आप बोल रहे तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तो पानी में देखकर बोलिए, 3 बार बोलिए, और इमेजिन करिए और भावना करिए कि वो सर्वशक्ति आपके अंदर से जा रही है। उसके अंदर ऐसा इमेजिन करो कि ब्रह्मांड से आने वाली शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हो रही है और पूरी शक्ति से भर रही है। आप ऐसे करते देखेंगे तो पानी, जब ऐसे वर्ड बोलते तो पानी में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अभी करके देखो, पानी लो हाथ में और एक वर्ड यूज़ करो, कोई भी यूज़ करो, आप उधर बोलो तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर, ऐसा वर्ड बोलो, आपको दिखेगा वो पानी में वाइब्रेट क्रिएट होगा। वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इंस्टेंटली पकड़ता है वो। आप बोलेंगे हाथ में पकड़ने के बाद में उसका वाइब्रेट होता होगा, तो आप क्या करो, एक लकड़ी के ऊपर रखो, आपका जो है ना समझो टेबल होगा, टेबल में रखो और वहाँ बोलो, वर्ड बोलो, इतना अंतर होना चाहिए कम से कम, वाटर उतना, आप वाइब्रेशन दे दो, बोलो, देखो और इंस्टेंटली पकड़ लेगा। इसलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा कीजिए, आपको रिजल्ट उसके बेस्ट टू बेस्ट मिलने वाले हैं। पानी को चार्ज करो और पानी पी सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, आप बैठ के पानी पियो, खड़े रह के मत पियो, क्योंकि मैंने बहुत विद्यार्थियों को देखा है, बहुत समस्याएँ देखी है कि उसमें जब हम खड़े रह के पानी पीते हैं तो मैक्सिमली हमारे घुटने या हमारे नीचे एरिया, पैर के नीचे की, वो पूरी दुखने लगती है, ये समस्या आती है। अगर ये समस्या आपको नहीं होनी चाहिए तो नीचे बैठ के पियो और पानी थोड़ा गुनगुना करके पियो, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही नहीं, नॉर्मल, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर और वो बाहर का टेम्परेचर, आप अगर उसको 50-60 डिग्री में है और पानी पी रहे तो अंदर की जो हमारे वेंस है वो डैमेज होती है। इसलिए नॉर्मल यानी मतलब 7-8-9 डिग्री तक होगा तो भी चलेगा, इतना कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा मत रखो, 10 डिग्री के अंदर ही पानी उसको गर्म करो और वो पानी पी सकते। ऐसे करते तो देखो आप कितनी बढ़िया तरह से आप उसका रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।